अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइम ब्लॉग्स। आज बहुत ही इजी रायता बनाने की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। रायता जी खाने का मज़ा कर देता है दोबाला जी। तो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। रायता बनाने के लिए आधा किलो दही, एक बड़ा टमाटर उसको बहुत छोटे पीसेस में काट लिया गया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने की चटनी बना ली है, वो खाली हमने एक चम्मच यूज़ करनी है, 1 टीस्पून। इसके बाद एक फुल प्याज को बहुत छोटा बारीक काट लिया गया है, खीरे 3 अदद बारीक बारीक काट लिए गए हैं और काली मिर्चें 1/2 टीस्पून और नमक भी 1/2 टीस्पून। अब इसको करेंगे मिक्स। जी तो ये आयशा इसको मिक्स कर रही हैं। इसके बाद प्याज के बाद टमाटर, फिर खीरे ऐड कर देने हैं, काली मिर्च और नमक। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हरे पुदीने, धनिए और हरी मिर्च की चटनी ऐड कर देनी है। ये आपने चटनी बना के ऐड करनी है तो आपका टेस्ट टोटली डिफरेंट होगा और रायता बहुत मज़े का बनेगा। अब इसके बाद जो पुदीने की चटनी बाकी थी उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। तो जी ये देखें, रायता हमारा तैयार हो गया है। अभी हम इसको की फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो आज आलू कीमा बना था, साथ में कोरमा बना था, तो साथ रायता तैयार किया गया है। ये थी जी रायते की फाइनल लुक। जी तो ये थी रायते की फाइनल लुक और सिंपल और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है। अब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजिम कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को कर दें प्रेस। अब दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।